काफी सारे यूट्यूबर जो है बहुत तेज चलाते हैं बाइक को, बहुत स्पीड में चला करके दिखाते हैं कि मैं प्रो राइडर हूँ, ठीक है, और वो सबसे क्या होता है। सो हे गाइस, अभी जो मनोज ने जो प्रो राइडर 1000 के एक्सीडेंट को लेकर के अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक स्टोरी शेयर किया है, दोस्तों आप सभी को बताया गया अभी जो प्रो राइडर 1000 का जो एक्सीडेंट हो गया था, और दोस्तों उस एक्सीडेंट के तुरंत बाद जो उनकी डेथ हो गई थी। तो दोस्तों प्रो राइडर 1000 के इस एक्सीडेंट को लेकर के उनकी डेथ को लेकर के मनोज ने क्या कहा, आप खुद से देखिए। तो दोस्तों अभी एक बहुत ही सैड न्यूज आ रहा है, प्रो राइडर 1000 बोल करके एक राइडर था, ठीक है, जो कि ब्लॉगिंग करते थे, उनका देहांत हो गया, मतलब वो अब है ही नहीं। तो आप सबको मैं बताना चाहूंगा, यूट्यूब के वजह से बहुत कोई ये सब करते हैं, जैसे कि उनको हो सकता है कि राइडिंग का उतना इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी आजकल सुपर बाइक लेकर के घूमना, ठीक है, बड़े बड़े राइडर्स को देख करके, मतलब कि यूट्यूब करना, ब्लॉग बनाना, और फिर देखने काफी सारे यूट्यूबर जो है बहुत तेज चलाते हैं बाइक को, बहुत स्पीड में चला करके दिखाते हैं कि मैं प्रो राइडर हूँ, ठीक है, और वो सबसे क्या होता है, लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, फिर उनको देख करके वो भी तेज चलाते हैं, स्पीड गाड़ी चलाते हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत ही गलत मैसेज चला जाता है। ये मुझे कहीं ना कहीं सही नहीं लगता, ये मैं बहुत दिनों से बात करना चाहता था, क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट आप लोग आए दिनों देखने को मिलता ही होगा। जट प्रभजोत के साथ जो हुआ था कुछ दिन पहले, आप सबको पता होगा क्या हुआ, उनका पूरा पैर वगैरह सब कुछ फ्रैक्चर हो गया। तो प्लीज अपना सेफ रहें, अच्छे से बाइक ड्राइविंग करें, राइड करें, जो भी करना हो अच्छे से यार, यूट्यूब के बजाय अपना जान जोखिम मत डालो।